तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस सेक्शन, और हमारा ये पहली क्लास है, स्टार्टिंग की पहली क्लास है, और हम बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे, हर टॉपिक की बेसिक टॉपिक से एडवांस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जी सर, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सेल आर्किटेक्चर के बारे में। जो आपका एक्सेल है, इसका आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि एक वर्कबुक होता है, वर्कबुक में शीट्स होते हैं, नंबर ऑफ शीट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और हर शीट के अंदर में कॉलन होता है, रो होता है, और सेल जो स्टोर होता है एक सेल के ऊपर होता है जी, ना, और हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 50 स्टोर किया तो ए बी थ्री की वैल्यू 50 हो गई, मतलब कि 50 स्टोर का है बी थ्री पे। अब बी थ्री क्या है? बी थ्री हमारा सेल एड्रेस है। कैसे? तो बी हमारा कॉलन हो गया और थ्री हमारा रो हो गया। तो अगर इसको कहीं कहीं से कॉल करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी थ्री। हमने बी थ्री इक्वल बी थ्री लिखा तो क्या हुआ, बी थ्री की वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। तो हमने इक्वल बी थ्री लिखा क्यों? क्योंकि मुझे इसी सीट का चाहिए, इसलिए। जी, या फिर क्लिक करने पे बी थ्री आता है तो इसी तरह एड्रेसिंग सिस्टम को समझिएगा। एड्रेसिंग सिस्टम क्या होता है कि अब मैं किसी और सेल पे जाऊं और फिर इसको क्लिक करूं और किसी और सीट पे, तो मुझे सीट का रेफरेंस देना पड़ेगा कि G3C5। तो सेम, अगर आपको C5 सेम सीट पे चाहिए तो आप C5 डायरेक्ट लिख सकते हो, सीट का नाम देने की जरूरत नहीं है, या सीट का नाम पिक नहीं करता है। कहीं पे आपको डिफॉल्ट आ जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे खुद से देना पड़ता है, इसलिए समझ जाइए कि आपको खुद से देना है। जी, तो यहाँ पे डिफॉल्ट आपका C5 लेगा सेम सीट का। अनदर सीट के लिए मुझे उसका सीट का रेफरेंस इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, या फिर खुद ब खुद ले लेगा। अब किसी और फाइल की बात करें, जैसे बुक टू पर है, अब मुझे बुक टू से किसी और फाइल का रेफरेंस चाहिए तो मैं इसको लूंगा। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि इसमें फाइल का नेम, सीट नेम और सारा आ गया यहाँ पे। अभी फाइल का नेम बड़ी ब्रैकेट में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि फाइल ओपन है। जैसे मैं अपने फाइल को क्लोज करता हूँ, मान लीजिए मैं सेव करके इसको क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे देखिए कि फाइल का पूरा कंप्लीट एड्रेस दिखेगा आपको। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप में तो सिर्फ ब्रैकेट में, आप में कभी कभी एड्रेस आता है, हम में ब्रैकेट आता है। तो यही है कि अगर आपका दूसरे फाइल से आपने लिंक किया हुआ है, अगर वो फाइल ओपन है तो आपका वो बड़ी ब्रैकेट में दिखेगा। जैसे मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ओपन कर लिया, अब सेल एड्रेस देखिए चेंज हो गया। जी सर, बड़ा ब्रैकेट में हो गया। हाँ, इसका एड्रेस पूरा कंप्लीट पाथ हट गया ना, फोल्डर वगैरह का जो था। जी, तो यही होता है। तो अब एड्रेसिंग सिस्टम बनाया क्यों गया, चलिए इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एमएस एक्सेस की बात करें, एसक्यूएल की बात करें, तो वो लोग हेडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, वहां पे किसी सेल का एड्रेस नहीं होता है, बट हमारे इसमें सेल का एड्रेस है। तो ऐसा इसलिए किया गया कि जैसे हमने 65 लिखा और 85 लिखा, राइट है, इन दोनों को बीच में मुझे जोड़ना है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल प्रेस कर सकते हैं कि 65 प्लस 85, रिजल्ट आपके सामने 150 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं कल के दिन में 65 को अगर 50 कर दिया तो ये चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं। अब मैं इसमें अगर ए करूं, इसको सेलेक्ट करूं और प्लस इसको कर दूं, मतलब हमने बोला C2 की वैल्यू प्लस C3 की वैल्यू, तो C2 हमने ले लिया तो C2 नहीं आएगा, C2 की वैल्यू आएगा जी। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका 135। अगर फॉर्मूला वार्ड में जाके फॉर्मूला एवलेट करोगे तो पता चलेगा कि C3 कन्वर्ट हो गया, उसकी रिकॉर्ड रिजल्ट 50 में, उसका जो वैल्यू था 50 में और 85 में, देखिए हो गया C2 एंड C3, और फिर इस पे सम हुआ। जी, तो इससे फायदा क्या होगा कि जब इसमें आप कुछ चेंज करेंगे तो ये अपने आप को अपडेट कर लेगा, राइट। इसका एक और एड्रेसिंग सिस्टम का एक और बेनिफिट है कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, एक मिनट। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे, हो सकता है लाखों नंबर हो,
अब मुझे हर नंबर में 20 ऐड करना है, तो हमने क्या किया, इसको क्लिक किया एंड प्लस 20 कर दिया, और फिर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। जब आप नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट, मतलब कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपका सेल एड्रेस इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पे A1 था, जब इसको नीचे किया हमने, तो यहाँ पे देखिए A2 हो गया A2। जी जी जी, इसका एक फायदा है ना, अगर मान लीजिए फैसिलिटी नहीं होता तो आपको हर सेल में जाके इस तरह से प्लस 20 करना पड़ता हर सेल में मैनुअली। अगर 10-20 है तो चलो अभी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पास 10-20 हजार होते हैं तो काफी टाइम लगने वाला था। तो एक बेनिफिट इसका है। जी जी जी, तो एड्रेसिंग सिस्टम की बेनिफिट समझ में आ गया आपको, एड्रेस क्यों दिया गया। जी जी जी। और जाहिर सी बात है, प्रकृति में कोई चीज अगर बेनिफिट देती है तो कोई चीज नुकसान भी देती है सर। जी सर। अब इसका एक नुकसान भी है, मान लीजिए कि यहाँ पे 20 फिक्स था इसलिए, लेकिन मान लीजिए कि मैं यहाँ पे D1 पे 20 रखता हूँ और मैं इस पे प्लस और D1 की वैल्यू करता हूँ। अब जैसे कि हमने बताया कि जब हम ड्रैग करेंगे तो इंक्रीज होता है, तो A1 इंक्रीज हुआ तो चलो A1 इंक्रीज करना था हमको, A2 करना था, बट D1 D2 हो गया, ये तो नहीं करना था मुझे, D1 को तो फिक्स रखना था, तो यहाँ पे दिक्कत हो गई आपको। इसको फ्रीज कर देंगे। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, फ्रीज, इसको हम आम भाषा में फ्रीज कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर के भाषा में एब्सोल्यूट कहते हैं इसको। हमने इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कर दिया। हमने क्या किया, वन क्या है हमारा, रो नंबर है, रो नंबर के आगे हमने डॉलर लगा दिया। अब फिर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरा D1 फिक्स रहेगा। अब उस समय वन के आगे ही क्यों लगाया, डी के आगे क्यों लगाया, देखिए इंडिविजुअल काम करता है। अगर मुझे कॉलम भी फ्रीज करना, मुझे क्या करना था, टॉप टू बॉटम में ड्रैग करना था। टॉप टू बॉटम ड्रैग करने से हमारा रो नंबर तो कॉलम नंबर तो चेंज नहीं होगा ना। कॉलम नंबर कब चेंज होगा, जब हम लेफ्ट राइट करेंगे। हाँ, तब चेंज होगा। तो अगर मुझे अगर इसकी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लगाया, अगर आपको लगाना है तो आप दोनों तरफ लगा सकते हो। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपको दोनों तरफ लगाना है या आपको सिर्फ रो को करना है या कॉलम को करना है, वो आपको डिसाइड करना होता है। कई बार आप देखेंगे तो हमें सिर्फ कॉलम करना होता है, कई बार हमें रो करना होता है, कई बार हमें दोनों करना होता है। तो आप डिसाइड करेंगे कि फॉर्मूला ड्रैग करते समय डॉलर हम कहाँ लगाए। जी, क्लियर है। जी सर। तो ये आपका डॉलर का मेथड था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलिए अब बात करते हैं उस हेल्प सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात है कि मान लीजिए कि मैं आपको एक, आपके पास आपका एक सपोर्ट हमेशा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई फंक्शन पढ़ाया, आप पढ़ गया, कि कुछ दिन बाद हो सकता है कि आप उसको भूल जाए, होता ना कभी कभी कि हमें अगर थोड़ा सा हिंट मिल जाता है तो हमें वो चीजें याद आ जाती है। जी जी। तो उसी तरह से मान लीजिए कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, आपको आता है लेकिन आप भूल गए हैं, थोड़ा सा हिंट अगर मिल जाए तो आपको समझ में आएगा, तो उस समय आप मुझे फोन करें, उससे अच्छा है कि इस पे कर्सर रखते हैं। कर्सर रखते हैं, इसका एक इजीली एक शॉर्ट डेफिनेशन आ गया, अब इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसके बारे में और ज्यादा चाहिए तो टेल मी मोर पे क्लिक कीजिए। जी, आपका हेल्प खुल के आ गया, ठीक है। और इस हेल्प को ड्रैग कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपका पूरी डिटेल के साथ इसमें दिया हुआ है, आप यहीं से पढ़ सकते। अब मैंने आपको हेल्प में पढ़ने के लिए क्यों बोला, जनरली लोग तो गूगल में सर्च करते हैं ना। जी, देखिए एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि आपको अगर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गूगल में मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रूफ रीड नहीं होता है गूगल पे, वहां पे कोई आम आदमी डाला हुआ है। हाँ, वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग अपना आर्टिकल, अपना ब्लॉग, अपनी वेबसाइट वगैरह में डाल देते हैं। जी सर। हर अलग अलग एंगल से नहीं होता है, कुछ लोग तो गलत चीजें भी डाल देते हैं ताकि हिट्स बढ़े। जी सर। आप देखते होंगे कभी कभी मूवी सर्च करते होंगे तो पता चलेगा कि ओपन करेंगे कोई और मूवी या निकलेगी कोई और मूवी।
क्योंकि वो हिट्स चाहते हैं ताकि वो ज्यादा ज्यादा लोग देखें, भले ही वो एक सेकेंड दो सेकेंड नहीं देखे लेकिन बहुत सारे बार देखें। जी सर। तो यहाँ पे लेकिन जो आपको यहाँ हेल्प मिलती है वो 100% करेक्ट मिलती है, क्योंकि ये यूजर मैनुअल है एक्सेल का। जी जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उसके साथ यूज किताब मिलता है ना, मोबाइल ही खरीदते हैं तो मोबाइल का बुक किताब मिलता है। तो मोबाइल में क्या होता है, वो फोन के बारे में पूरा दिया रहता है कि फोन को कैसे खोला जाएगा, कैसे सिम निकाला जाएगा, कैसे क्या सेट किया जाएगा। शुरुआत में याद होगा जब नोकिया के जो 1100 या 2200 फोन आते थे तो हम लोगों को कुछ चीज समझ में नहीं आता था, तो हम लोग उसका किताब निकाल कर पढ़ते थे कौन सा सामान कैसे होगा। जी सर। उतना उस समय तो फोन का हम लोगों का क्रेज नहीं था ना, नहीं। अब तो एंड्रॉयड आने से क्रेज हो गया है ना सर, पहले जी क्रेज सर। थोड़ी था। नहीं। तो उसी तरह से आपका ये यूजर मैनुअल है कि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप यहीं पे सर्च कर सकते हैं। अब लोग यहाँ पे या डायरेक्ट सर्च, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि हम शीट ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये कितने शीट ऐड कर सकते हैं हम। सर 255 कर सकते हैं क्या? नहीं गलत, यहाँ कॉलम को हम बड़ा करते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं हम, इसमें टेक्स्ट लिखते हैं कितना टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्या इसकी लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए ना। जी सर। तो यहाँ आप क्वेश्चन मार्क का निशान होगा या फिर ये दिख रहा है ना बल्ब का निशान है, ये हेल्प का निशान है, इस पे जाइए और सर्च कीजिए लिमिटेशन, लिमिट या लिमिटेशन कुछ भी हो। यहाँ पे देखिए गेट हेल्प ऑन लिमिट, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स, ये आपकी एक्सेल की लिमिट आ जाएगी। ओपन वर्कबुक, एक बार में कितने वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो कॉलम, कॉलम की विड्थ, रो हाइट, पेज ब्रेक, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर, शीट्स इन वर्कबुक, दिखा आपको जी। क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी। आप कह सकते हैं कि लिमिट इज नॉट सेट, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी, जी सर आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कितना सीट इंसर्ट कर सकते हो। वो जो आप 255 बोल रहे थे ना, वो 255 होता है कि ओपन, अभी से आप ओपन करते हैं 3 सीट आता है या 1 सीट आता है, आता है ना जी, जी। आप ऑप्शन पे जाके यहाँ सेट कर सकते हो कि आपको कितने सीट चाहिए। अच्छा। यहाँ पे एक बार में 255 सीट ला सकते हो, मतलब ओपन करते समय आपको ज्यादा से ज्यादा 255 सीट मिल सकती है, उसके बाद आपको मैनुअल ऐड करनी पड़ेगी। उसी तरीके से यहाँ पे और भी चीज है कि एक सेल में आप 32,700 करेक्टर लिख सकते हैं, जैसे बताया था कितने करेक्टर लिख सकते हैं। तो इससे एक भी फायदा होता है कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कभी कभी नेस्टेड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि कितने फॉर्मूला इसमें हम ऐड कर सकते हैं। 255 नहीं, फॉर्मूला का करेक्टर 32,767 से ऊपर जाएगा आपका फॉर्मूला ऐड होना एरर दिखाना शुरू कर देगा। 32,767 करेक्टर, जैसे अब इफ लिखा आपने तो इफ लिखने में 4 करेक्टर होगा ना, इक्वल आई एफ एंड ब्रैकेट ओपन। जी जी जी, तो ये हो गया 3 है, 3 हो गया। तो उसी तरह से आप मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा कंडीशन लिख दिया कि वो 500 करेक्टर का हो। जी जी जी, समझ गए ना। जी सर, उसी तरीके से यहाँ पे लिमिटेशन सेट होता है आपका। ऐसे कॉलम के विड्थ आपको 255 करेक्टर ले सकते हैं, रो कॉलम पता है आपको कितना रोज होते हैं, कितना कॉलम होते हैं। तो ये चीजें आप पढ़ो। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं क्यों पढ़ूं इसको, मुझे क्या लेना देना है, कितना नंबर ऑफ कॉलम विड्थ कितना करेक्टर का है, हम जितना बड़ा करना चाहेंगे इतना होगा होगा होगा। तो क्या होता है कि कुछ केस में आपको जरूरत पड़ती है एक्सेल में, जैसे कि मैंने बताया कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर है, जैसे फॉर्मूला कितना लग सकता है इसके बारे पता होगा, क्योंकि एक बार मैंने बहुत बहुत बड़ी नेस्टेड फॉर्मूला की बनाया था तो फॉर्मूला का सब कुछ सही था और रिजल्ट गलत दे रहा था, रिजल्ट एरर दे रहा था। हमने बोला क्यों एरर दे रहा है, जब मैंने उसके 2-4 करेक्टर डिलीट किए तो एरर रिजल्ट आ गया, तब पता चला कि ओ मैंने कि मेरा फॉर्मूला का करेक्टर 32,767 से ऊपर चला गया है। तो वहां पे अगर मुझे पता नहीं था इसलिए काफी परेशान हुआ, आपको पता रहेगा तो आप परेशान नहीं होंगे। दूसरी चीज ये मान लीजिए कि अभी आप एक्सेल है लेकिन आगे चल के जब आप वीवीए प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे सब तो लिखना पड़ेगा ना,
वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर आपको कोई ए चाहिए करेक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, लिखेंगे ना, हाँ तो ये पता नहीं रहेगा कि कहाँ तक चलेगा तो कैसे लिखेंगे। हाँ तो इसलिए ये चीज जरूरी है, तो एक बार इसको कैजुअली पढ़ लीजिएगा आप। जी ठीक है जी सर। उसके बाद बात आती है शॉर्टकट की, किसी चीज की शॉर्टकट कैसे पता चलेगी, तो उस पर आप कर्सर रखते थे शॉर्टकट पता चलती है। अब शॉर्टकट की जरूरत क्यों होती है, तो देखिए हर ऑप्शन को दो तरह से अप्लाई किया जाता है, उसके ग्राफिक पे जाके क्लिक करके या उसका शॉर्टकट अप्लाई करके। तो काम करते समय शॉर्टकट का यूज अगर ज्यादा आप करते हैं तो आपकी काम की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा माना गया है कि कीबोर्ड 30% फास्टर है देन माउस, तो इसलिए थोड़ा सा। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं सर, आप पूरा काम कीबोर्ड से खटाखट कर रहे हैं, तो एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। जी सर, सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि इसके पास एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड पे स्पीड लट्टा मारने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। तो प्रैक्टिस करने से ही होगा। तो कीबोर्ड शॉर्टकट लिस्ट कहाँ से मिलेगा, तो यही जहां आपने सर्च किया था वहां पे, या यही सब पे सर्च कर लीजिए शॉर्टकट। आपका रिजल्ट आ गया कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर एक्सेल फॉर विंडोज, ये आपके शॉर्टकट के लिस्ट है। ठीक है सर? जी 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 सर। तो आप लिमिटेशन को पढ़ लीजिएगा और शॉर्टकट लिस्ट को पढ़ लीजिए एक बार, तो दिक्कत होगा उसको डायरी में नोट कर लीजिएगा। हम आपको कल मंडे की क्लास में, कल होगी क्लास 9 बजे के आसपास। अच्छा, कल एक्स्ट्रा क्लास है, कल आपकी क्लासेस तो मंडे टू फ्राइडे होती है ना, कल हम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि एक बैच और स्टार्ट कर रहे हैं हम कल सैटरडे को, तो आप भी आ जाइए, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, 9 बजे शुरू करेंगे ना। हाँ, 9 बजे से कितना बजे तक चलेगा वो, तो डिपेंड करता है मूड पे सर, एक्स्ट्रा क्लासेस की टाइमिंग शिफ्ट नहीं होती है, लेकिन हाँ 1.5 घंटा तो चलेगा चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। तो ये शॉर्टकट्स, आप शॉर्टकट की लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि इसको याद करने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से होगा सर। हाँ, अब जैसे ये इसमें सारा फंक्शन आ जाएगा, जितना भी शॉर्टकट की है सारा आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उसे आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो आपके ऊपर अल्टरनेटिव आ जाता है। एच फॉर होम, उसके अंदर चले गए वापस एच फॉर फिल, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे उसी यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करते समय जो अंडरलाइन दिख रहा है ना आपको सर, ये आपके शॉर्टकट्स हैं। तो फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो F पे क्लिक कीजिए तो आपको फॉर्मेट सेल आ जाएगा F प्रेस करने से। ऐसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो इसके अंदर मूव करेंगे, टैब एरो की से अब इसके अंदर मूव कर सकते हैं। आपको अलाइनमेंट पे जाना है तो कंट्रोल टैब इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, टैब आ गया। अब मान लीजिए चेकबॉक्स को क्लिक करना है, अनक्लिक करना है तो स्पेस बार क्लिक करेंगे, स्पेस, हाँ स्पेस बार से कर सकते हैं क्लिक करने के लिए, ठीक है। एंटर ओके के लिए और एस्केप कैंसिल के लिए, राइट सर? राइट राइट सर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक बार आप लिमिटेशन और शॉर्टकट लिस्ट को पढ़ लीजिए, ठीक है सर? जी सर, जी सर। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह कीजिए। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम एक्सेल की सेटिंग करते हैं, किस तरह से टेम्पलेट यूज करते हैं, ये सब चीजों के बारे में आपको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। कल 1.5 घंटे की क्लास होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। और तो प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं। ठीक है सर। कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ सकते हैं आप? क्वेश्चन सर तो अभी तो